आइए आज हम सब लोग मिलकर हम अपने अगले टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं, जिस टॉपिक के ऊपर हम आज बातचीत करने वाले हैं। और वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है हमारा हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ वर्कशॉप, राइट। तो कहीं ना कहीं आज हम हेल्थ एजुकेशन के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। जैसे आप पहली स्लाइड के अंदर ऑलरेडी आप देख पा रहे होंगे, जैसे लिखा हुआ है कि लेट फूड बी द मेडिसिन एंड मेडिसिन बी द फूड। हम क्यों ना कुछ ऐसा करें कि जो हमारा खाना ही हमारी दवाई बन जाए, राइट। और हमारी दवाई जो हमें लेनी भी है वो हमारे खाने के फॉर्मेट में आए, हमारे आहार के फॉर्मेट में आए, हमारे भोजन के फॉर्मेट में आए। और पुराने जमाने में कहीं ना कहीं ऐसा ही हुआ करता था, राइट, करेक्ट। कहीं ना कहीं आप आयुर्वेदा की पुरानी बातों को उठाकर अगर स्टडी करेंगे, आयुर्वेदा की पुरानी चीजों को आप उठाकर स्टडी करेंगे, तो आप यही पाएंगे कि पुराने आयुर्वेदा के समय में हमारा भोजन, हमारा आहार ही हमारे लिए दवा का काम करता था। और कहीं ना कहीं हमारी दवा भी हमारे आहार के फॉर्मेट में ही, आहार के रास्ते होते ही हमारे शरीर के अंदर आती थी, करेक्ट। तो कहीं ना कहीं आज भी हमें इस बात को समझना है। भले आज हम एक मॉडर्न एज में आ चुके हैं, हम बहुत सारा डेवलपमेंट कर चुके हैं, हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन अभी भी हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं हमें आज भी हमारे समय का, हमारा जो फूड है, राइट, हमारा जो खाना है, वो आज हमें कुछ ऐसा करना है, हमें दोबारा से आयुर्वेदा की तरफ मूव करना है कि आज हमारा खान पान, हमारी डाइट ही हमारी बॉडी में दवा का काम करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो हमें ये समझना है कि आज आप खुद सोच कर देखिए, हम में से कई सारे लोग सबके सब अपने घरों में बंद हैं। सोचिए, 6 महीने तक देश की इकोनॉमी बंद कर दी गई, 6 महीने तक देश की इकोनॉमी को डाउन कर दिया गया, राइट। 6 महीने कई सारे लोगों का कारोबार चला गया, पूरे देश विदेश के अंदर कई सारे बिजनेसेस रुक गए, कई सारे लोगों को नौकरी से निकलना पड़ा, और देश की इकोनॉमी इतनी तेजी से गिरी कि हमारी कंट्री का GDP 24.9% से नीचे आया, 24% से कहीं ना कहीं हमारी कंट्री की GDP नीचे आई। इसका मतलब क्या है? ये सब कुछ हुआ क्यों? ये सब कुछ बंद क्यों किया गया? उसके पीछे कारण क्या था? उसके पीछे कारण था लोगों की सेहत, लोगों की हेल्थ। तो आप सोच के इसी बात से आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं हेल्थ कितना बड़ा टॉपिक है। वो हमेशा ये बोलते हैं कि उदित, जीवन में कई सारी चैलेंजेस हमारे पास में आएंगे, हमारी जिंदगी के अंदर कई सारे चैलेंजेस हमें मिलते हैं, राइट। आपके पास कई सारी आर्थिक समस्याएं आएंगी, हो सकता है कई बार आपके जीवन में समस्या आए जो आपके रिश्तों से रिलेटेड हो सकता है कई बार आपके जीवन में पैसे से रिलेटेड समस्याएं आए, हो सकता है जीवन में अलग अलग प्रकार की समस्याएं आपके पास में आएंगी। हो सकता है कभी ऐसी समस्या आपके पास में आए कि आप जिन लोगों के साथ जीवन में आगे बढ़ रहे हैं आप उनसे बहुत खुश नहीं है। बहुत सारी अलग अलग तरीके की समस्याएं आपके जीवन में आती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हम सब लोगों के जीवन में आते हैं, लेकिन उन सब चैलेंजेस में से एक चैलेंज जो कभी ना कभी हमें जीवन में फेस करना है वो है हेल्थ, कभी हमारी और कभी परिवार की। तो कहीं ना कहीं इस हेल्थ के बारे में हमें कॉन्शियस बनना बहुत जरूरी है, और इस हेल्थ के बारे में हमें खुद को एजुकेट करना क्यों जरूरी है कि ऐसा क्या होता है कि वो हमारी सेहत बेकार होती है। आप सबको बताया पुराने जमाने में क्या हुआ करता था। पुराने जमाने में लोग जितने समय जिया करते थे वो समय बहुत लंबा होता था, क्योंकि लोग अच्छा खान पान खाते थे, लोग अच्छी फूड और ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करते थे, लोग ऑर्गेनिक फ्रूट्स का इस्तेमाल करते थे, लोग एक्सरसाइज करते थे और उनकी बॉडी को फिट रखते थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं जिस उम्र को वो जिया करते थे वो उम्र बहुत लंबी हुआ करती थी, और जो बीमारी की उम्र हुआ करती थी वो बहुत छोटी हुआ करती थी, राइट। जिस उम्र में एक इंसान बीमारियों से गुजरता था वो उम्र बहुत छोटी होती थी, और जिस उम्र में एक इंसान हल्ता हंसता खेलता बिना किसी बीमारी के जीता था वो उम्र बहुत लंबी होती है। लेकिन आज की डेट में क्या है? आज की डेट में दुनिया बदल चुकी है, राइट। सेव फ्रेंच फ्राई से बदल गया है और ऑरेंज बर्गर से बदल गया है, रोटी पिज्जा से बदल गई है, करेक्ट, राइट। तो कहीं ना कहीं ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन तो आए हैं, और जूस शेक से बदल गए हैं, राइट, करेक्ट, और दूध कोको कोला से बदल गया है, पेप्सी से बदल गया है, जिसको प्रेरित करने के लिए हमारे कई सारे फिल्म सेलिब्रिटीज हमें पीने के लिए बोलते हैं, करेक्ट। खैर अभी तो पता चल रहा है फिल्म सेलिब्रिटी खाली आपको तो फिर कोल्ड ड्रिंक पीने को ही बोलते हैं, लेकिन कई सारी आज के न्यूज में तो ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं कि फिल्म सेलिब्रिटी तो खुद तो बहुत कुछ कंज्यूम करते हैं, तो आप सोच के देख सकते हैं, करेक्ट। तो मैं तो थोड़े दिन खुश था कि चलो अच्छा है पेप्सी का ही एडवर्टीजमेंट करा, अगर कोकेन का कर देते तो न जाने क्या होता, राइट, करेक्ट, राइट। तो कहीं ना कहीं आज आप सोच के देखिए आज हमारा खान पान कितना बदल गया है। आज जो वेजिटेबल, जो सब्जियां भी हम लोग खा रहे हैं, कई लोग बोलेंगे नहीं सर मैं ताजी सब्जी खाता हूँ, कहीं ना कहीं जो सब्जी हम खा रहे हैं उन सब्जियों में भी जो सब्जी जितनी हरी दिखती है क्या पता उसके ऊपर कलर चढ़ाओ, कितने सारे वेजिटेबल स्कैम्स हो रहे हैं। आप किसी वेजिटेबल मार्केट में जाके देखेंगे कई सारी वेजिटेबल पेस्टिसाइड्स उनके ऊपर लगे होते हैं, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है तो वेजिटेबल्स के अंदर फर्टिलाइजर डाल के उनको उस वेजिटेबल को ग्रो करा जाता है, राइट। लौकी में इंजेक्शन लगा लगा के लौकी को बड़ा करा जाता है,
राइट, बॉटल गार्ड जिसको बोलते हैं, उसको इंजेक्शन फीड कर करके उसको ग्रो करा जाता है। कहीं ना कहीं अगर आप बातचीत करेंगे वाटरमेलन की, वाटरमेलन के अंदर जो उसका जितना मीठा टेस्ट है, क्या पता ना जाने उसको कितने इंजेक्शन लगाए गए। सोच के देखिए, पहले इंसानों को इंजेक्शन लगते थे बीमारी से बचने के लिए, अब तो सब्जियों को इंजेक्शन लगते हैं ज्यादा टेस्टी बनने के लिए, राइट। तो कहीं ना कहीं आजकल तो सब्जियों को भी इंजेक्शन लगने लगे हैं। सब्जियों पे पहले तो होली दिवाली इंसान इंसान पे रंग लगाता था, अब तो इंसान सब्जी पे रंग लगा के दूसरी इंसान को खिला रहा है। फूड के अंदर अडल्ट्रेशन हो चुका है, प्लास्टिक राइस जैसी चीजें आ चुकी हैं। सोचो, चावल भी जो आ चुका है हमारे देश के अंदर, कहीं ना कहीं वो चावल भी प्लास्टिक का हो चुका है, आटे में मैदा मिल चुका है, करेक्ट। तो इतना सारा अडल्ट्रेशन हमारी कंट्री के अंदर है, इतना सारा फूड की फील्ड में इतना करप्शन हो चुका है, इतने सारे वेजिटेबल स्कैम्स हैं, इतने सारे केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है। और आप सबको पता है, आज की डेट में जब आप मुंबई पुणे दिल्ली जैसे शहर में निकलते हैं, हवा तो इतनी साफ मिलती है जैसे कि आप हिमालय पे बैठे हैं। नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ? आप सबको पता है, कहीं ना कहीं पीछे आगे वाले पीछे ऑटो में बैठे हुए आगे वाले ऑटो का जो आप धुएं का सेवन करते हैं वो किसी सिगरेट से कम नहीं है, राइट, करेक्ट। फिर वो फेफड़ों में वही हालत हो जाती है जो कहीं ना कहीं मुकेश की होती है जब आप मूवी देखने जाते हैं, करेक्ट। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पहले से पता है। तो आज हुआ क्या है, आज क्या हुआ है, राइट, क्या चीजें हुई हैं? आज मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है। हमारे खान पान के बदलने से, हमारी फूड हैबिट्स के बदलने से, आज दिन भर तो आज हमें से कई लोगों का दिन भर चेयर पे बैठे बैठे निकल जाता है, क्योंकि लैपटॉप के आगे बैठे रहते हैं, टिंग 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 और काम करते रहते हैं, राइट। और इसकी वजह से क्या हुआ है कि इंसान जहां 30 साल का हुआ तो डायबिटीज हुई, 40 का हुआ तो हार्ट डिजीजेस हुई, 45 का हुआ तो आर्थराइटिस हुआ, और 55 का हुआ तो क्या पता निकल लिया, राइट, करेक्ट, निकल लिया। अरे दुनिया से नहीं, हॉस्पिटल में निकल लिया, राइट। दुनिया में तो 65 साल तक किसी तरीके से खींचतान के चले जाते हैं लोग, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे ग्रैंडफादर की एज 80-90 हुआ करती थी, 90-90 साल हमारे ग्रैंडफादर की एज हुआ करती थी। आज तो लोग 70 साल में ये मान लेते कि बहुत जी लिए हम, राइट। कहना क्या चाहता हूं, आज हम जितना समय बिना बीमारियों के जी रहे हैं वो समय बहुत कम है, और जितने समय में हम बीमारियों के साथ जी रहे हैं वो समय बहुत ज्यादा है, राइट, करेक्ट। पहले इंसान 1 रुपए की ऑरेंज वाली गोली खाता था टेस्ट के लिए खाने के बाद, राइट। अब इंसान दिन में 2 गोली खाने के साथ और 2 गोली खाने के शाम को डिनर के साथ खाता है। वो गोली टेस्ट के लिए नहीं, वो गोली अपनी सेहत के लिए होती है। आज गोलियों पे लोगों की सीरीज चल रही है। आज अगर आप लेडीज के अंदर बात करेंगे, वुमेन के अंदर बात करेंगे, थायराइड एक बहुत ही कॉमन बीमारी हो चुकी है, राइट। थायराइड तो एक इतनी कॉमन बीमारी हो चुकी है कि थायरॉयडसिन 100 mg की टैबलेट तो कॉमन बन चुकी है परिवारों के अंदर, राइट, करेक्ट, राइट। डायबिटीज एक कॉमन बीमारी हो चुकी है और इंडिया कहीं ना कहीं डायबिटीज का सेंटर बन चुका है, राइट। तो कहीं ना कहीं आज हुआ क्या है, ये क्यों हेल्थ क्राइसिस हम फेस कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे खान पान के बदलने, बहुत सारी चीजों के बदलने से हमारे जीने वाला समय पहले लंबा हुआ करता था और बीमारियों के साथ जीने वाला समय बहुत छोटा, लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं।